सपूर में लॉकडाउन के चलते जिले के गरीब आदिवासी आर्थिक संकट से गुजर रहे, इस बीच करीब 7,000 लोग पलायन कर चुके हैं। आपको बता दें कि तेंदुपत्ता कटाई की अनुमति से तेंदुपत्ता संग्राहकों में खुशी की लहर है। वहीं तेंदुपत्ता खरीदी के ज्यादातर व्यापारी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से हैं, जहां कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तेलंगाना से 7 कामगार बीजापुर पहुंचे हैं, जिन्हें लॉकडाउन गाइडलाइन नीति के अनुसार तुरंत क्वारंटाइन किया जाना था, लेकिन ये कामगार देर रात और सुबह सड़कों पर घूमते मिले। स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता के दखल के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने आनन-फानन में इन 7 कामगारों को जीआर पैलेस में क्वारंटाइन कर दिया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आए तेंदुपत्ता खरीदारों की वजह से जिलेवासियों में डर का माहौल बना हुआ है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? तेंदुपत्ता तेंदुपत्ता। तो आप लोग का स्क्रीनिंग अगर हुआ था, कहाँ हुआ? अच्छा, तो क्या बताया उसके बाद? बस हार रहे हैं हमारे पास। अच्छा, जैसे अदर स्टेट से कोई भी आता है, सीएम साहब का आदेश है कि उनको 14 दिन या 28 दिन का क्वारंटाइन में रखना है। नहीं, ऐसा नहीं है, आते ही उनको हमने क्वारंटाइन करके रखा है। और ऐसे करीब 12 लोग हैं, एक तो उनके किसी के किराए के मकान में दूरस्थ क्षेत्र में है, तो ऑलरेडी वहाँ पर क्वारंटाइन है, और इनको भी हमने क्वारंटाइन करके रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी वो उस जगह पे थे, और उसके हमारा अमला चूंकि ऑलरेडी उसको बता के रखा कहीं नहीं जाएंगे, तो ऑलरेडी वहाँ पर थे, उसके पश्चात वो बाकी की प्रक्रिया पूरी की गई है।